नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जाने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान सीट से जदयू ने मारी बाजी। दिवाली छठ को देखते हुए चलेंगी 28 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें। बिहार में धनतेरस पर कार खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर। सूबे के उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर मिल सकती है बिजली। विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट के बाद जुलूस निकालने पर लगी रोक। स्वास्थ्य महकमे में बड़ी संख्या में हुई फेरबदल। तो चलिए बढ़ते हैं अब शाम तक की खबरों की ओर विस्तार से। उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान सीट से जदयू ने मारी बाजी। बिहार में दो सीटों पर हुए मतदान के बाद से आज मतों की गिनती हुई, जिसमें कुशेश्वर स्थान सीट पर जदयू के अमन भूषण हजारी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। बता दें कि इस सीट पर जेडीयू के अमन भूषण हजारी 12,698 मतों से विजेता घोषित किए गए हैं। मतगणना के 23वें अंतिम राउंड की गिनती में जदयू के उम्मीदवार अमन भूषण हजारी को 59,882 और राजद के गणेश भारती को 47,184 मत मिले हैं। तो वहीं दूसरी ओर तारापुर सीट से खबर लिखे जाने तक 17वें राउंड की गिनती हो रही थी। तारापुर सीट की बात करें तो यहां पर राजद के उम्मीदवार 17वें राउंड की गिनती के बाद राजद के उम्मीदवार 481 वोट से आगे हैं, लेकिन यहां भी जदयू और राजद के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। ये जानकारी खबर लिखे जाने तक है। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। आज रात तक कर सकते हैं शुभ मुहूर्त में धनतेरस की खरीदारी। आज साल के सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाने वाला धनतेरस का दिन है। आज के दिन झाड़ू, आभूषण, गहने, धनिया, पीतल के बर्तन, सोने चांदी के सामान, नया घर, गाड़ी आदि की खरीदारी घर में सुख समृद्धि लाती है। वहीं व्यापारी वर्ग आज के दिन को निवेश के लिहाज से भी बहुत शुभ मानते हैं। सुबह बिहार के हर जिलों में आज दिन से ही बाजारों में सामानों की खरीद बिक्री करने वाले लोगों की भीड़ दिखी। तो वहीं जिन लोगों ने अब तक खरीदारी नहीं की है उनके लिए शाम में भी शॉपिंग करने का अच्छा मौका है, क्योंकि शाम से लेकर रात तक भी कई शुभ मुहूर्त है जिसमें शॉपिंग की जा सकती है। शाम 6:45 से रात 8:21 तक लाभ चौघड़िया मुहूर्त है। रात 9:57 से लेकर 11:34 तक शुभ चौघड़िया मुहूर्त है। तो वहीं रात के 11:34 से लेकर रात 12:10 तक भी शुभ समय में खरीदारी की जा सकती है। त्योहार में दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले हर व्यक्ति की होगी कोरोना जांच। दीपावली और छठ को लेकर दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। सबसे ज्यादा भीड़ बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों और पटना दरभंगा के हवाई अड्डों, अंतर्राज्यीय बसों स्टैंड, इन जगहों पर देखने को मिल रही है। ऐसे में कोरोना के फैलने के खतरे से संभलते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों को जांच तेज करने का निर्देश दिया है। इसके तहत रेलवे स्टेशनों पर 24 घंटे जांच व टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वहीं जो लोग बिना जांच कराए घर चले जाते हैं तो वैसे लोगों की पहचान कर आशा कार्यकर्ताओं के जरिए उनकी जांच कराई जाएगी। दूसरी तरफ दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के टीकाकरण के लिए भी अभियान को तेज किया जा रहा है। हालांकि आपको बताते चले कि जांच और वैक्सीन की व्यवस्था होने के बावजूद भी कई लोग इसे करवाने से कतराते हैं, लेकिन यह आपकी और हम सब की सुरक्षा का सवाल है। इसलिए अगर आप भी या आपके आसपास के लोग दूसरे राज्य से बिहार आ रहे हैं तो कोरोना टेस्टिंग जरूर करवाएं। सूबे के उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर मिल सकती है बिजली। हर तरफ से महंगाई बढ़ने की खबरों के बीच बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर है। आने वाले साल में राज्य के बिजली कंज्यूमरों को सस्ती बिजली मिल सकती है। इसके लिए बिजली कंपनियां टैरिफ और स्लैब में बदलाव लाने पर विचार कर रही है। इस बात के संकेत बिजली कंपनी के 9वें स्थापना दिवस के मौके पर ऊर्जा सचिव और कंपनी के CMD संजीव हंस ने दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक समय में 90 से ज्यादा कैटेगरी हुआ करती थी, जिसे कम करते हुए 3 दर्जन के आसपास लाया गया है। तो वहीं अब आने वाले वक्त में 1 या फिर 2 स्लैब का टैरिफ लाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे कि बिजली के दरों में कमी आएगी। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज पर 3% की छूट के साथ सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है। बिहार में धनतेरस पर कार खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर। आप अगर बिहार के किसी भी जिले में रह रहे हैं और आपने भी आज धनतेरस पर कार को घर लाने का मन बनाया है तो आपके लिए जरूरी खबर है, क्योंकि बिहार में कार की सप्लाई से ज्यादा डिमांड हो गई है, वो भी आज के लिए। जिस वजह से पूरे बिहार में 7,000 लोगों की बुकिंग में से केवल 2,000 के करीब लोगों को ही आज धनतेरस पर कार मिल पाएगी। बाकी के बचे लोगों को बाद में डिलीवरी की जा सकेगी। इसके पीछे का कारण यह है कि शोरूम में कारों की कमी है। कंपनियों से डिमांड के अनुरूप कार की आपूर्ति नहीं हो सकी है। वहीं दूसरी वजह यह है कि पेट्रोल डीजल की महंगाई के कारण लोग CNG गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, जिसकी अभी बाजार में कमी है। ऐसे में कुछ लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है।
मधुबनी जिले के जया बलाल बने नीट में बिहार टॉपर। देश भर के अलग अलग मेडिकल संस्थानों में एडमिशन के लिए होने वाली परीक्षा नीट 2021 का रिजल्ट बीते दिन घोषित कर दिया गया। इस परीक्षा में बिहार के छात्रों का रिजल्ट शानदार रहा है। इस परीक्षा में मधुबनी के जया बलाल बिहार के टॉपर बने हैं। जया को ऑल इंडिया में 19वीं रैंक प्राप्त हुई है। इन्हें 720 में 715 अंक प्राप्त मिले हैं और कुल 99.9987 परसेंटाइल प्राप्त हुआ है। तो वहीं दूसरा स्थान पटना के कंकड़बाग निवासी डॉक्टर सुनील कुमार के बेटे दर्श कौस्तुभ को मिला है। इन्होंने 720 अंक की परीक्षा में 706 अंक लाकर पूरे बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इन्हें 99.9964 परसेंटाइल मिला है। तो वहीं रमन बनर्जी को ऑल इंडिया रैंक 103 के साथ 705 अंक मिले हैं। इस बार एनटीए ने अभ्यर्थियों के ईमेल पर स्कोर कार्ड भेजे हैं। अब जानते हैं दिवाली से पहले कैसा रहने वाला है बिहार का मौसम। बिहार में इस बार दिवाली और छठ से पहले ही मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। सुबह में तेज धूप की तपिश से गर्मी का एहसास हो रहा है, जबकि शाम के बाद से ठंडी हवाएं बहने से ठंड का एहसास होने लगता है, जो कि सुबह तक देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक उत्तर बिहार में उत्तर पश्चिम हवा और दक्षिण बिहार में पश्चिमी हवा के प्रभाव से पारे में धीरे धीरे गिरावट देखी जा रही है। आज की बात करें तो पटना व इसके आसपास के क्षेत्रों के कुछ भाग में दोपहर के बाद थोड़े बादल छाए दिखे, हालांकि बारिश जैसी कोई बात नहीं रही। वहीं आने वाले 24 घंटे के दौरान तापमान में 2 डिग्री की गिरावट होने की अनुमान की गई है, जिससे अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। बिहार में केवल पटना से मिले नए कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान कुल मिलाकर 4 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान 7 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 43 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो केवल पटना में 4 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बाद रिकवरी रेट के करें तो राज्य में लोगों के ठीक होने की दर 98.66% है। विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट के बाद जुलूस निकालने पर लगे रोक। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का फाइनल रिजल्ट के बाद विजयी पार्टियों की तरफ से विजय जुलूस निकालने पर पूरी तरह से पाबंदी रहने वाली है। इसके तहत विजयी पार्टी के नेता या फिर कार्यकर्ता किसी भी तरह के विजय जुलूस नहीं निकाल पाएंगे। एडीजी मुख्यालय ने इस बात को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन को निर्देश दे दिया है और इसका सख्ती से पालन करने का भी आदेश दिया है। इसके तहत स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोरोना नियमों का भी पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा और कोई भी व्यक्ति उत्पाद करते नजर आएंगे तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी हुए हैं। सरकार ने त्योहारों में कोरोना से निपटने का तैयार किया मास्टर प्लान। दिवाली और छठ पूजा को लेकर भारी संख्या में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मुंबई जैसे महानगरों से बिहार के लोग पर्व मनाने के लिए वापस बिहार आ रहे हैं। ऐसे में संभावित तीसरी लहर के गांव-गांव और शहरों तक फैलने के खतरे को लेकर सबसे ज्यादा बोझ बिहार सरकार के सर पर है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में यह बात साफ किया कि कोरोना से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार है। मंत्री ने चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि सरकार लगातार तैयारियों में जुटे हैं और लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। केंद्र से इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत 1350 करोड़ मिलना है। भारत हेल्थ इंस्ट्रक्शन मिशन के तहत इस वर्ष 1116 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हुई है, जिसके जरिए प्रत्येक 15,000 शहरी आबादी पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाना है। स्वास्थ्य महकमे में बड़ी संख्या में हुई फेरबदल। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी संख्या में चिकित्सा पदाधिकारियों समेत प्राध्यापकों की पोस्टिंग से जुड़ी अधिसूचना जारी की है। इसके तहत कुल 55 अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसमें कई सिविल सर्जन के साथ साथ मेडिकल ऑफिसर भी शामिल हैं। इन सभी को बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से मिले आवेदनों के आधार पर प्रतिनियुक्त और पद स्थापित किया गया है। वहीं वेटिंग फॉर पोस्टिंग में चल रहे कई चिकित्सकों को भी नई जगह पर तैनात किया गया है। इससे संबंधित एक अधिसूचना बीते दिन ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी कर दी गई, जिसमें अधिकारियों की लिस्ट भी दी गई है। दिवाली छठ को देखते हुए चलेंगी 28 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें। दूसरे राज्यों से बिहार आने जाने वाले यात्रीगण जरा ध्यान दें, आपके सफर से जुड़ी अच्छी खबर है। पूर्व मध्य रेल आगामी त्योहारों को देखते हुए अलग अलग स्टेशनों के बीच 28 स्पेशल ट्रेनें चला रही हैं। ये ट्रेनें अलग अलग तारीखों में चलेंगी, जिससे लोगों को भीड़ भाड़ में सफर करने से राहत मिलेगी। इसके तहत बिहार आने वाले ट्रेनों में सिकंदराबाद दानापुर छठ स्पेशल का परिचालन 7 नवम्बर को होगा। दिल्ली दरभंगा फेस्टिवल स्पेशल 5 नवम्बर को, नई दिल्ली जोगबनी स्पेशल 5 नवंबर को, दिल्ली सहरसा फेस्टिवल स्पेशल 5 नवंबर को, सरहिंद सहरसा फेस्टिवल स्पेशल 5, 6 और 7 नवंबर को किया जाएगा, जो कि नरकटियागंज के रास्ते अगले दिन सहरसा पहुंचेगी। इसके अलावा दिल्ली भागलपुर स्पेशल 6 नवंबर को, दिल्ली सहरसा स्पेशल 6 नवंबर को, दिल्ली दरभंगा फेस्टिवल स्पेशल
नरकटियागंज के रास्ते 6 नवंबर को, नई दिल्ली कटिहार स्पेशल 8 नवंबर को, आनंद विहार टर्मिनस बरौनी फेस्टिवल 7 नवंबर को परिचालित होंगी। ये सभी ट्रेनें रिटर्न में अलग अलग तारीखों को परिचालित होंगी। जहां चुनाव में किन्नरों को आरक्षण मिलने की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किन्नरों को पर्याप्त मात्रा में आरक्षण मुहैया कराने की मांग पर जनहित याचिका पर बीते दिन हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। तो वहीं इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि इस मामले में स्पष्टीकरण को लेकर राज्य सरकार के अधिकारियों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। याचिका के जरिए मुखिया, सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम कचहरी के पंच सदस्यों, पंचायत समिति के सदस्यों व जिला परिषद के सदस्यों के पद पर निर्वाचन में आरक्षण की मांग की गई है। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि इस याचिका के लंबित रहने तक वर्तमान प्रावधानों के तहत उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जाए। इस मामले में सुनवाई आगे भी चलने वाली है। अगरबत्ती के बाद तेज प्रताप यादव ने चावल, आटा और सत्तू बेचने का बनाया मन। बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और हसनपुर सीट से विधायक तेज प्रताप यादव बीते महीनों ही खुद के अगरबत्ती ब्रांड का व्यापार शुरू किया था और अब वो नया व्यापार शुरू कर रहे हैं जो कि किसानों को भी लाभ पहुंचाएगा। जानकारी के मुताबिक तेज प्रताप ने अपने इस नए स्टार्टअप के माध्यम से चावल, आटा, सत्तू, मैदा और बेसन जैसे खाने की चीजें को लॉन्च किया है। उन्होंने इस नए कारोबार की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है और बताया कि अपने इस नए स्टार्टअप के जरिए वे बिहार के किसानों को समृद्ध बनाने की पहल कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए दिनेश कार्तिक ने लोगों से की खास अपील। T20 विश्व कप में टीम इंडिया अपने दोनों ही शुरुआती मैच में करारी हार की शिकार हुई है। इसके बाद से ही क्रिकेट प्रेमियों का गुस्सा भारतीय टीम पर सोशल मीडिया के जरिए निकल रहा है। लोग तरह तरह के टीम के खिलाड़ियों की आलोचना कर रहे हैं। इस बीच टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने अपने फैंस से खास अपील की है। कार्तिक ने कहा है कि फैंस को टीम की आलोचना न करते हुए इस मुश्किल वक्त में प्लेयर्स का साथ देना चाहिए। क्रिक वच पर बात करते हुए कार्तिक ने ये बातें कही। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों का पक्ष लेते हुए कहा कि वे भी इंसान हैं और उनसे इस तरह की गलतियां हो सकती है। कार्तिक के मुताबिक भारतीय खिलाड़ियों पर काफी दबाव रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आज साल के सबसे शुभ दिनों में से एक धनतेरस पर आपने क्या शुभ खरीदारी की है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुटे रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।